वंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण को धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम, तेज कुवरी श्यामायुगल को पल पल करूं प्रणाम, पियाज को पल पल करूं प्रणाम। जो बात करनी है हके सो पहले लेवे माहे दीला, पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असला, जो वाहिदत में असला। एक पातशाही अर्श की, सभी आत्मीय सुंदर साथ को प्रणाम जी। आज चौथा दिन है इस भंडारे का, और चौथे दिन में हमने शुरुआत के दिन से यदि हम देखते हैं रास प्रकाश खट ऋतु कलश किरंतन खुलासा से लेकर हमने आज खिलवत तक हम आ पहुँचे। शुरुआत के दिन को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। वर्तमान में तो है लेकिन अतीत को देखकर ही हम वर्तमान में स्थित हैं, और यदि इस वर्तमान में यदि हम कुछ करते हैं तभी उस भविष्य की कल्पना हम कर सकते हैं। आज यदि गलत कार्य करके इस वर्तमान में कुछ कर रहे हैं तो ये मत समझना कि भविष्य में हम कुछ अच्छा कर लें, और ये भी ना समझना कि यदि हम अभी इस समय में राज्य के लिए तड़प रहे हैं तो उस समय में क्या हमें वो दर्शन नहीं देंगे। अवश्य ही यदि मीठा फल हमने वृक्ष के रूप में एक पौधा के रूप में रखा है तो अवश्य वो फल देगा। उसी प्रकार से आज हमें इस वाणी के माध्यम से एक ज्ञान अवतरित हुआ है, खिलवत। खिलवत का अर्थ क्या है? खिलवत का अर्थ लिखा गया है, जो मुझे पता है, कि जो आशिक और मासूक हैं, जो एकांत स्थान में रहते हैं और अपने इश्क की बात करते हैं, जहां किसी की वादा ना हो, किसी तीसरे लोग की कोई गुंजाइश ना हो, वैसे चीजों को खिलवत कहते हैं। और खिलवत सिर्फ परमधाम में ही नहीं, उस मोमिनों के दिल में है और उस ब्रह्म सृष्टि के दिल भी है। आज वो ब्रह्म सृष्टि और वो दिल कहाँ पे है? यदि मैं अभी पूछूं कि वो ब्रह्म सृष्टि और उनके दिल कहाँ पे है तो जवाब क्या मिलेगा? जवाब यही है कि इस भीड़ में कोई ना कोई एक होगा, दो होंगे या अनंत होंगे या जितने भी यहाँ लोग होंगे, सारे ब्रह्म सृष्टि हो सकते हैं, ये हमें पता नहीं। परंतु उनके दिल में यदि राज्य श्यामा जी तथा परमधाम के हर पक्ष खेलता है, हर समय वो 24 घंटे 8 प्रहर पूर्णतया से समर्पित होके उस इश्क में डूबता है तो अवश्य ही इस खिलवत पढ़ने का आशय समझ में आएगा। खिलवत यदि हम कहें कि वो क्या चीज है, इस शरीर के माध्यम से हम जानते हैं, हर चीज हम इस शरीर के तुलना करते हैं। शरीर में बताया गया कि हाथ ना हो तो भी ठीक है, कल ही हम सुन रहे थे, हाथ ना हो तो भी ठीक है, पैर ना हो तो भी ठीक है, परंतु सिर गर्दन और उदर ना हो तो जीवन की कोई गुंजाइश नहीं हो सकता। उसी प्रकार से आज खिलवत को एक उपमा के रूप में दिया गया है कि खिलवत क्या है। वो एक उदर का स्थान लेता है, अर्थात नाभि का स्थान। नाभि अपने शरीर में कितना एक महत्व रखता है हम जानते हैं। नाभि के द्वारा ही पूर्णतया से हम अपने जन्म लेते हैं,
जब जन्म होता है अपने नाभि अपनी माँ के गर्भ से जुड़ा होता है, तभी जाकर एक जन्म एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरण होता है। उसी प्रकार से आज खिलवत है जो हर वाणी को पूर्णतया से जुड़ाता है, चाहे वो रास हो, चाहे प्रकाश हो, चाहे अंत में जाकर कयामत नामा। तो यदि हम इस प्रकार से यदि खिलवत को जानते हैं और समझते हैं तो अवश्य ही खिलवत का आशय समझ में आएगा। पहला चरण यहाँ पे कह रहे हैं, एक पातशाही अर्श की। पातशाही का अर्थ है साहेबी और अर्श का अर्थ है परमधाम। उसका पातशाही, उसकी साहेबी जानना है, उसका महत्व जानना है। परमधाम से तो हम आए हैं, ये हमने मान भी लिया है, परंतु क्या उसकी महत्व हमने समझा है? उस महत्व को यदि हम समझते तो अवश्य ही हम उस अर्श को कभी छोड़ने का प्रयास ना करते। आज सुंदर साथ में ये देखा जाता है कि कोई तारतम लेता है और थोड़ी दिन के बाद यदि वो तारतम के ज्ञान को अंदर प्रवेश नहीं करता तो वो दूसरे समाज में भी जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है? उसके मन की स्थिति में गड़बड़ है या वाणी में गड़बड़? उसके बुद्धि के ज्ञान में गड़बड़ है, हमारी तारतम वाणी में गड़बड़? यदि हम कहें कि नहीं, हमारे तारतम वाणी में गड़बड़ नहीं, उसके मन ही और बुद्धि में गड़बड़ है, तो हम उसको क्यों समझा नहीं पा रहे? हम क्यों उसको इस खिलवत खाने में ले नहीं पा रहे हैं और उस इसकी बातें हम उसको समझा नहीं पा रहे? तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं इश्क रब्द के विषय में। जैसे कि हमारे पूर्व भ्राता ने भी कहा, इश्क रब्द के विषय में हम सब कोई जानते हैं। इश्क रब्द क्या है? हम किस प्रकार से इस दुनिया में आए? हम विश्वास करते हैं कि हम फिर से वापस भी लौटेंगे, लेकिन जब तक उस धाम के विषय में महत्व हमें पता ही नहीं तो हम किस प्रकार से उसको प्यार कर सकते हैं? जिस प्रकार ब्रज में हम देखते हैं कि हमें ना घर की सुध थी ना ही प्रियतम की, पूर्णतया हम नींद में थे, इसीलिए हमारी जो इच्छा है वो बची रहेगी। हम फिर से रास में पहुंचते हैं, वहाँ पे हमें सिर्फ प्रियतम की पता है। अब जब प्रियतम की पता है, हमें फिर से धाम की कोई महत्व हमें पता नहीं। हमें घर ले जाने के लिए हम कहते भी हैं, परंतु फिर भी हमें घर की कोई सुध नहीं, फिर से इच्छा बची रह गई। परम धाम जाने के बाद भी फिर से हमें वापस लौटना पड़ा। आज यहाँ पे फिर से चौपाई कह रही है कि एक पातशाही अर्श की, तुम्हें समझाने के लिए किस चीज को, उस परम धाम के विषय में, उसके महत्व के विषय में, फिर भी आज तुम आने के बाद भी यदि तुम उसके महत्व को नहीं समझते तो फिर से इच्छा रह जाएगी, फिर से एक इच्छा रह जाएगी। और क्या तुम चाहते हो कि वहां पे जाने के बाद फिर से वापस लौटे? क्या फिर से इस दुख की संसार में आकर फिर से जन्म लेकर क्या इस भवसागर में डूबते और मरते रहना चाहते? यदि मरना नहीं चाहते और जन्म लेना नहीं चाहते तो क्यों हम आज दिन तक वाणी के अध्ययन नहीं किया? क्यों आज दिन तक हमने उसके आचरण में नहीं ढाला और क्यों आज तक हमने उस चित्तवनी के मार्ग में आगे बढ़कर उस राज्य के साक्षात्कार नहीं किया? यदि क्यों का उत्तर ही नहीं तो हो सकता है आप पहले सीढ़ी में ही हो। मंजिल की इच्छा तो हर किसी को होता है, लक्ष्य पाने की इच्छा किसको नहीं होता है? एक विद्यार्थी है जो चाहता है कि मैं फर्स्ट आऊं, मैं प्रथम हूं और पूर्णतया से मैं विजय होकर प्राप्त करूं। परंतु यदि वो मेहनत ना करे और सिर्फ एक सपना देखता रहे तो क्या होगा? तो अवश्य ही उसके मार्क्स कम आएंगे और वो फेल हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हम यहाँ पे चाहते तो हैं, बैठे भी हैं, एक विद्यार्थी की तरह हम बैठे भी हैं और सुन भी रहे हैं और चाहते हैं सब लोग कि हमें प्रथम स्थान ही मिले, प्रथम भविष्य ही मिले, लेकिन फिर भी परीक्षा तो होना बाकी है। परीक्षा कब होगी? क्या हमारे मरने के बाद? क्या ये शरीर टूटने के बाद हमारी परीक्षा होगी या जीते जीते परीक्षा होगी?
यह हमें खुद समझना होगा कि किस प्रकार से राज्य हमारी परीक्षा लेते हैं। वितक में अनेकों उदाहरण आ जाते हैं कि किस प्रकार से किस किस सुंदर साथ को परीक्षा लिया गया। बारह मोमिन जब औरंगजेब को संदेश देने के लिए गए थे, क्या उनका परीक्षा हुआ या नहीं? क्या या यदि सिर्फ औरंगजेब उनके गर्दन को काट देते तब परीक्षा सिद्ध होता? लेकिन आज हम उस बारह मोमिन को पूछते हैं, सर्वश्रेष्ठ मोमिन कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस परीक्षा में अव्वल दर्जा का नंबर लाया, तब जाकर उनको हम सबसे बड़े मोमिन का खिताब देते हैं। छत्रसाल जी को हम क्यों सबसे बड़े मोमिन के खिताब देते हैं? क्योंकि वो रोते हैं, सेवा ना कर पाने के लिए वो रोते हैं, तब वो तड़प दिखाई देती है पूर्णतया से। श्री जी को भी वो दिखाई देती है। हम सोचते हैं कि कोई एक सद्गुरु बैठा है एक शरीर के रूप में, उनको जाके रिझा के हम खुश मना देंगे तो हमें प्रथम मार्क्स मिल सकता है। परंतु सद्गुरु सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही शरीर के माध्यम से दिखाई देते हैं, वरना वो कहाँ रहते हैं? मोमिनों के दिल में। और मोमिनों के दिल कहाँ पे है? फिर से मैं प्रश्न करता हूँ, ब्रह्म सृष्टियों के दिल कहाँ है? ब्रह्म सृष्टि कौन है? हर कोई दावा लेकर यहीं पे अभी भी बैठा हुआ है कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ और जब मैं गुनाह करता हूँ मेरे राज्य स्वयं मेरे दिल से मुझे ही देखते हैं। और फिर भी हम ये कहते नहीं कि नहीं, आज से मैं गलती नहीं करूँ। तो एक पातशाही अर्ज की, कैसे हम उस धाम तक पहुंचे जबकि हम अभी तक इसी माया में उलझे हुए। धाम, और सिर्फ धाम नहीं कहा जाता उसको, परम धाम कहा जाता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ धाम जहां पे स्वयं परमात्मा रहते हैं। धाम तो वैकुंठ को भी कहते हैं, धाम तो स्वर्ग को भी कहते हैं। और धाम यदि संस्कृत के वर्ड में, संस्कृत में यदि पढ़ा जाए, धाम क्या है? घर है, जहां पे हम रहते हैं, जहां पे सुख खुशहाली है। क्या आप स्वर्ग को धाम मानना चाहते हैं? प्रश्न है, क्या आप स्वर्ग को धाम मानना चाहते हैं? जी नहीं चाहते तो हम क्या कर रहे हैं? मैं, मुझे पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं, मुझे स्वयं पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। उसी प्रकार से आप सबको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। अब वाणी की चौपाई कहते हैं, अब आपको स्वर्ग जाना है या वैकुंठ, या आपको परमधाम जाना है? यदि स्वर्ग जाना है, अर्थात अब विद्यार्थी के अनुसार समझाया जाए, आपको सेकेंड डिवीजन लाना है, थर्ड डिवीजन लाना है, फर्स्ट डिवीजन लाना है, या डिस्टिंक्शन लाना है? तो उसी प्रकार से यदि आप कार्य करोगे, स्वर्ग भी मिलेगा, जरूर मिलेगा आपको, वैकुंठ भी मिलेगा, और आपको उस परम धाम भी मिलेगा यदि आप प्रयास करोगे। यदि अभी अभी वैदिक काल के अनुसार, गणना के अुसार 1,96,53,08,120 वर्ष हुए। अनादिकाल से जो प्रकृति चल आ रही थी वो तो नष्ट और उत्पन्न होता ही है, लेकिन जो इस काल में चल रहा है उसका गणना मैंने कहा है कि अभी लगभग एक महीने पहले वैदिक काल के अनुसार ये गणना मनाई गई, और ये कहा जाता है कि वो शुरुआत का दिन था। तो उस शुरुआत के दिन से वो ऋषि मुनि ध्यान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। आदित्य, वायु, अंगिरा, ये ऋषि हैं जो वेदों का उन्होंने, उनके द्वारा वेदों का उत्पादन हुआ था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उस काल में भी उस ऋषि मुनियों ने तप करना नहीं छोड़ा था, उनको भी इच्छा थी कि हाँ मैं भी परमात्मा को पाऊं, लेकिन उन्होंने पाया क्या? आज हमारे समाज में हमारे इस स्थिति के देखते हुए चार्वाक संप्रदाय की याद आती है। वो कहता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवे। कहते हैं कि जैसे भी जियो लेकिन सुख से जियो। यदि सुख से जीना है तो ऋण लेके भी जियो, लेकिन घी जरूर पीना। आज की स्थिति में कहा जाए तो मजे से जीना, दारू वारू भी पी लेना, सिगरेट भी जला लेना, और अच्छे कपड़े लगा लेना। यदि बड़ा सा टीवी आ रहा है तो बड़ा सा टीवी ले लेना, महंगा गाड़ी आ रहा है तो महंगे से महंगे गाड़ी ले लेना।
लेकिन जैसे भी हो, ऋण लेके भी हो, लेकिन जीना जरूर। आज वही स्थिति हमारे समाज में पूर्णतया से छप चुकी है। हम कह सकते हैं कि हम भी चार्वाक की स्थिति में हैं। हम निजानंद संप्रदाय अपने आप को क्यों कहते हैं? निजानंद जो आनंद में मग्न हो, खुद के आनंद में मग्न हो। क्या अपने खुद के आनंद में आज दिन तक हम रमे हुए हैं? यदि रमे ही नहीं तो हम निजानंद कैसे कह सकते हैं? तो चार्वाक की स्थिति को यदि त्यागना ही है तो वाणी को मध्य नजर रखते हुए एक पातशाही अर्श के विषय में जानना होगा। वेदः मेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात। वो उच्चतम पुरुष कहाँ पे है? तमस के परे है, वो अंधकार से परे है। अंधकार क्या है ये जानते हैं? निराकार हम कह देते हैं, सामान्य स्थिति से कह देते हैं, वो तो अंधकार ही तो है। लेकिन उसी अंधकार को पार करने के लिए भी ऋषि मुनि ने कितने वर्ष तक तप किया, ये हम नहीं जानते। आज उस ऋषि मुनियों को हम कहते हैं कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं और वो हमसे तुच्छ है, वो हमसे नीचे है। लेकिन हमें ऐसा समझना नहीं चाहिए। उन्होंने कितना तप किया, उन्होंने अपने मन में कितना मानसिक रूप से उनके बल था। आज क्या उस ब्रह्म सृष्टि के जो हम जिगर रखते हैं और कहते हैं हम शेरनी हैं, तो क्या हमने उस जिगर रखते हुए वो कार्य किया है? यदि तप करते हैं तो क्या हमने उस प्रकार से तप किया है? हाँ, तब जाकर हम बुद्ध को भी नीचे दिखा सकते हैं, तब जाकर हम वो शिव जी को भी नीचे दिखा सकते हैं। लेकिन हमारा ये अभी औकात ही नहीं बना कि हम उनको जो सर्वश्रेष्ठ योगेश्वर कहा जाता है, कहा जाते हैं वो शिव जी, कहा जाते हैं कि 5000 वर्ष तक पद्मासन के ध्यान में बैठे। आज हम कितने मिनट तक ध्यान में बैठते हैं? यदि हम सच में उनको नीचा दिखाकर खुद को ऊपर उठाना चाहते हैं तो आप ही बताइए हमने कितने घंटे बैठकर उस धनी को याद किया? यदि नहीं किया तो छोड़ दीजिए किसी का पैर नीचे दिखाना। हाँ, खुद को आगे बढ़ना है, उस धाम के विषय में जानना है तो वाणी का अध्ययन करना ही होगा। बिना वाणी के अध्ययन के ये सिर्फ एक निस्बत के कारण हमें मिला है। आज संबंध है जिस प्रकार से एक गरीब का पुत्र है और एक धनी का पुत्र है, पुत्री है, कोई भी है, जो संतानें हैं। यदि गरीब का पुत्र हो तो उसके भाग में क्या आएगा? जो उसके पिता का सर्वस्व कुछ भी होगा, चाहे कपड़े हो, चाहे छोटा से छोटा चीज हो, उसी के हाथ में आएगा। और उस धनी के संतान के उस भाग में भी हो सकता है बंगला, गाड़ी और सब कुछ, कुछ ज़्यादा ही आ जाए। उसी प्रकार से जीव के भाग में क्या आ रहा है, चाहे वो कितना भी मेहनत कर ले। हम ये कहते हैं कि चाहे कितना भी मेहनत कर ले, श्यामा जी के दर्शन कभी नहीं कर सकते। हाँ, राज्य हो सके, यदि इतना मेहनत करके प्रेम के उसमें डूब जाए तो राज्य दर्शन दे सकते हैं, लेकिन ब्रह्म सृष्टिया की दर्शन राज्य कभी नहीं देंगे। तो उस परम धाम के विषय में, सिर्फ परम धाम ही नहीं, अर्श में होने वाले हर लीलाओं के विषय में किसी को कुछ पता होने नहीं देंगे। उस जीव का जो गरीब का पुत्र है, जो नारायण का पुत्र है, उसको सिर्फ थोड़ा सा संपत्ति मिलने वाला है, लेकिन राज्य के कारण और ब्रह्म सृष्टि के कारण उसको थोड़ा और धन मिल जाएगा। लेकिन जो ब्रह्म सृष्टि है उसको क्या मिल रहा है? निस्बत के कारण क्या मिल रहा है अभी, वो हमने आज दिन तक मूल्यांकन ही नहीं किया। जिस प्रकार एक धनी का पुत्र धन होने के बाद वो ऐसा खर्च करता है कि उसको पता ही नहीं मूल्य क्या है, और बाद में जब खर्च हो जाता है तब वो खाली बैठकर रोता है कि मैंने कैसे खर्च कर दिया। उसी प्रकार आज हम ब्रह्म सृष्टि होने के नाते संपदा मिली है, पूर्ण प्रकार से मिली है, और फिर भी उस समय को हम इतना खर्च कर रहे हैं कि कल जाकर यदि वृद्ध अवस्था में, मृत की अवस्था में, हम ये नहीं कहते कि वृद्ध अवस्था में ही मृत्यु आती है, दो बारह एक बरस का बालक भी मर सकता है, अभी अभी जन्म लेता हुआ बालक भी मर सकता है, और हो सके 35 और 40 वर्ष का आदमी भी मर सकता है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु से, कहने का तात्पर्य क्या है, जो जन्म लेता है वो मरता है, और जो मरता है वो जन्म अवश्य लेता ही है। तो हम किस चीज़ के लिए अभी तक रुके हैं? क्या हम चाहते हैं कि हमारे 50 साल कट जाए,
तब जाकर हम सोचे कि हाँ आज मैं अब अपने परमधाम के विषय में सोचूंगी, तब जाकर हो सकता है मैं उस परमधाम के महत्व के विषय में जानूं और उसका ध्यान करूं और उनको पालूं। लेकिन स्वामी जी ने कहा है, वितक में कहा गया है, 40 बरस के बाद ही हमें ये मिलने वाला नहीं है। सिर्फ 40 बरस ही नहीं, 5 बरस का यदि ध्रुव को भी देखते हैं, विष्णु भगवान को रिझाकर उन्होंने दर्शन पा लिया। लेकिन वो कौन थे उस समय? उस समय वो जीव थे, और जीव ने विष्णु भगवान को रिझा लिया, वो खुद के पिता को रिझा सकते हैं, तो आप अपने प्रियतम को क्यों नहीं रिझा सकते? यदि आप कितने भी साल के हो, वो मायने नहीं रखता। आपके हृदय मायने रखता है, आपके उस इश्क मायने रखता है, और आपकी समझ मायने रखता है। दुनिया छाया मिने शोक करे अटकले अनेक। जो दुनिया है वो तो छाया में है, जो सूर्य है वो दूर है और चमक रहा है, और वहाँ पे जीवों को सिर्फ छाया दिखाई दे रहा है, तो वो क्या करेंगे? वो तो सिर्फ अटकल कर सकते हैं, हाँ परमात्मा ऐसे हो सकता है, हो सकता है परमात्मा शिव हो सकता है परमात्मा कृष्ण जी हो सकता है परमात्मा गणेश हो सकता है स्वयं में ही परमात्मा। आज देखा गया है कि स्वयं को भी परमात्मा कहने वाले लोग मिलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि कहते हुए खुद को परमात्मा कहते हैं। तो उस परमात्मा को क्या हम माने? आज यदि आपको पता है या नहीं, हरिद्वार में लगभग 10 दिन पहले, जब मैं आने से पूर्व कल की अवतार कह के एक सद्दानंद महाराज हैं 108, उन्होंने अपना रैली निकाला, और वहाँ पे लोग पीछे बैठे हुए हैं और रैली के पीछे पीछे बैठे हुए हैं। स्वयं वो अपने आप को कल के अवतार कहते हैं। हम अपने श्री जी श्री प्राणनाथ जी को भी कल के अवतार कहते हैं। अब बताइए, वो पूर्णतया से उनके प्रचार कर रहे हैं। आज हमारे साहस नहीं कि वहाँ जाकर हम उनको कहें कि कल के अवतार हो चुके हैं, वो प्राणनाथ जी आ चुके हैं, और तुम्हारे धाम जो कह रहे हो ये हमारे वाणी और वितक में पहले से है। तो क्या हमने जो समझा था, जो हमने पूर्णतया से सोचा था कि अब मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ और मैंने उस परमधाम के विषय में जान लिया, और मृत्यु के बाद तुरंत मैं उस परमधाम में ना, तो मैं स्वयं पन्ना जी में जाकर उस परमहंस के साथ बैठ सकता हूँ? क्या हमारे ये औकात हो गया कि हम परमहंस के साथ बैठ सकें? तो नहीं बैठ सकते तो बनाइए। ये नहीं कहा, कृपा माफक करनी, करनी माफक कृपा। यदि आप करनी करते हैं तो कृपा अवश्य मिलेगी, और कृपा भी उसी प्रकार से होगा। तो क्यों हम अपना जो समय है उसको बर्बाद कर रहे हैं? वेद कहता है, प्रतद वचेद गुहास्य धाम, अर्थात पूर्णतया से जो उस धाम का वर्णन कर सके इसी युग में इसी समय में, तो वो भी उस परमात्मा के ही तुल्य पूजनीय है, पितास्य तुल्य पूजनीय। तो वो उस प्रकार से पूजनीय है। तो आज जो सद्गुरु के रूप में हमारे सामने बैठे हुए हैं, हाँ वो पूजनीय हैं। उनके पथ पर आगे बढ़िए, उनको रिझाने के लिए उनके पीछे पीछे लगकर क्या हम उसको परमधाम तक हम पहुंच सकते हैं? सद्गुरु मार्गदर्शन कराता है, सद्गुरु के उस मार्गदर्शन में हमें चलना है। लेकिन सद्गुरु के पीछे चल के, उस शरीर के पीछे चल के हमें परमधाम मिलता है, ये मैंने कहीं पे वाणी में भी तक में नहीं सुना। मोमिनों ने पूर्णतया से श्री जी के मार्ग में चलते हुए पूर्णतया से उनके कहे हुए बातों को अनुगमन किया है, ना कि श्री जी के वहाँ जाके उनको कहा कि आप इतने अच्छे हो, आप इतने ऐसे हो, और हमें भी परमधाम का दर्शन करा दीजिए तो हम भी बहुत खुश होंगे। क्या उन्होंने ऐसा कहा था? नहीं, उन्होंने ध्यान किया था, उन्होंने चित्वनी किया था, तब जाकर आज उनको कुछ दौलत मिली, जिसके कारण से हम आज एक सिखापन लेते हैं वितक के द्वारा। यदि वितक में सिखापन ही नहीं होता तो हमें पढ़ने का क्या औचित्य है? वो वितक को तो हमें फेंक देना चाहिए यदि उसमें कोई सिखापन ना हो। लेकिन हर पन्ने में वहाँ पे सिखापन है, हर पन्ने में वहाँ पे मोमिन है, हर पन्ने में उस ब्रह्म सृष्टि ने ब्रह्म सृष्टि को सिखापन देने के कुछ लिखा हुआ है। लालदास जी वैसे ही
नहीं बैठे एक महीने के लिए या एक साल के लिए अभी तक लिखने के लिए। यदि श्री जी वहाँ पे अंतर्ध्यान हो रहे थे तो उसी समय में लालदास जी भी अंतर्ध्यान हो सकते थे, उनके साथ साथ जा सकते थे। लेकिन सिर्फ हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए जो यहाँ पे अभी है और बाद में उस परमधाम तक जाने के लिए एक शिखापन देने के लिए उन्होंने इतना समय इतना विरह लेते हुए वो पूर्णतया से चौपाए किसके लिए लिखा? एक पातशाही अर्श के, उस अर्श को समझने के लिए कि हाँ मेरे मोमिन मेरे ब्रह्म सृष्टि भी उस अर्श को समझे और उसी प्रकार से जिस पथ पर हम चले थे उसी पथ पर हम भी चले। तो इस प्रकार से एक पातशाही अर्श को समझने के लिए हमें वाणी और वितक के अध्ययन करें। दूजा वाहेदत का इसका एक पातशाही अर्श की और दूजा वाहेदत का इर्श सो दिखलाओ ने रूहों को पहले दिल में लिया। पातशाही अर्श की समझने के बाद अर्श में क्या है तब समझ में आया। यदि अर्श के विषय में कुछ पता ही नहीं, परमधाम के विषय में कुछ पता ही नहीं, हम सोचे कि ब्रह्म सृष्टियाँ होते हैं, वहाँ पे श्यामा जी हैं, जब किताब की आउटलेट के विषय में पता नहीं, जो वो कहना चाहते हैं उसके विषय में पता नहीं, उसके गहनता में हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं? उसी प्रकार से यदि परमधाम के जो अर्श है एक पातशाही अर्श के विषय में पता नहीं तो इसके विषय में भी हम कभी अंदर नहीं जा सकते। तो वो अर्श है परमधाम, उसमें लीला होती है इश्क की। कलश ग्रंथ कहती है इश्क बड़ा रे सवन में ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। इस जहान में सबसे बड़ा क्या है? इश्क है, प्रेम है। लेकिन अब ध्यान से सोचा जाए प्रेम हम किस प्रकार से इस दुनिया में कर रहे हैं। इश्क जो प्रेम हम देखते हैं वाणी के माध्यम से सूफी मत के अनुसार कहा जाता है कि चार प्रकार की इश्क होता है। कौन कौन से? इश्क हरसी, इश्क नफसी, इश्क हकीकत और इश्क मार्फत। इश्क हरसी क्या है यदि हम सोचें तो एक शरीर से शरीर को प्यार करना, उसको हरसी कहा जाता है। जो आज के दुनिया में सिर्फ उसी चीज़ के लिए हो रहा है। आज इतने सरल तरीका से एक लड़का एक लड़की को और एक लड़की एक लड़का को कह देता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे सिवा मैं जी नहीं सकता। कितना मूल्यवान वो प्रेम वाली शब्द। आज एक 5 रुपये की वस्तु खरीद के एक वैलेंटाइन डे में कहें या कुछ भी दिनों में थोड़ा सा प्रेम दिखा के वो दे देते हैं। अब बात आती है प्रेम की तो वो कर रहे हैं। अब लड़की मना कर दिया, लड़की ने मना कर दिया कि मैं आपसे प्रेम नहीं कर सकती, मेरा माता पिता नहीं देंगे और मुझे भी इच्छा नहीं कि मैं आपसे प्रेम करूं। तो अब उस लड़के को प्रेम को देखिए कि वो तेजाब लेता है और उसके चेहरे पे डाल देता है। इस संसार का प्रेम देखिए कितना महान है कि एक शरीर के अंदर एक चेहरे को प्रेम मानता है और यदि वो लड़की ना मिली या वो लड़का ना मिला तो उसको मार दिया जाता है और उसको जला दिया जाता है। तो ये शारीरिक प्रेम है, यदि नहीं मिलता तो क्रोध आता है। वो क्रोध और काम ही तो है जिससे हम इस शरीर से प्रेम करते हैं। यदि क्रोध और काम से ही हम मुक्त हो जाए तो शरीर से कौन प्रेम करता है? शरीर से अब मन में चलते हैं। वो मन जो दूसरे मन से प्यार करता है उसको कहते हैं नफ्सी, इश्क नफ्सी। तो इश्क नफ्सी किसने किया? इश्क नफ्सी किसने किया? लैला और मजनू ने। ऐसे बताते हैं कि वो उनका मिलन हो नहीं पाया, अच्छे प्रकार से वो मिलते भी नहीं थे, फिर भी वो दूर के गांव में वो देखता था कि पूर्णतया से शशि और पूनम की मुझे याद आई। अभी लैला और मजनू के विषय में मैं इतना नहीं जानता, परंतु वाणी के आधार पर जो मैंने जाना है शशि और पूनम के विषय में जाना है। तो शशि और पूनम के विषय में कहते हैं कि लड़की है और लड़का है, प्यार होता है, लेकिन नदी एक बाधा के रूप में आती है। तब जाकर बाधा पूर्णतया से वो
मिटाने के लिए वो क्या करती है कि वो एक घड़ा ले लेती है जो पक्का होता है, और उस घड़े में धीरे धीरे करते उस नदी को पार करती है और अपने प्रियतम से मिलती है, बात करती है और पुनः घर में वापस लौटती है। लेकिन जब उनके भाभी को ये पता चलता है कि मेरी बहन या मेरी कोई लड़की है जो प्यार करती है एक लड़के से, तो वो एक कच्चा घड़ा को रख देती है। और जब उसको ये पता नहीं होता फिर भी वो कच्चा घड़ा लेकर वो लड़की चली जाती। तो जब जाती है तो बीच नदी में वो डूबने लगती है, तो वो लड़का कूद जाता है अपने प्रेम के लिए, लेकिन अब लड़का जिंदा रह जाता है और लड़की बच जाती। तो लड़की कहती है यदि कोई व्यक्ति यदि सपने में भी आकर कह दे कि मेरे जो प्रियतम है वो जिंदा है, तो मैं अपने सिर को काट के उसके सामने रख दूँ। तो इस प्रकार के वचन वो मानसिक रूप से कह रही है। अब जाकर हकीकत की बात आती है, जहाँ पे मीराबाई जो मीरा श्री कृष्ण जी को करते हैं, जो भगवान को किया जाता है, जो अलौकिक शक्ति को किया जाता है, वो प्रेम हकीकत को रूप लेता है और इश्क मार्फत जो ब्रह्म सृष्टि ही कर सकती है। तो वो वाहिदत का इश्क है। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात, जो कदी आवे मिने सब तो चौद तबक करे रत। यदि ये इश्क विषय में यदि इस दुनिया में सच में उतर जाए, एक कण नहीं आ सकता है, तो वो प्रेम कैसे आ सकता है। उस बुद्ध उस सागर के बुद्ध जब उतरी तो निराकार से होते हुए, वैकुंठ से होते हुए, स्वर्ग से होते हुए इस पृथ्वी में आ पहुँचे। तो जब आ पहुँची तो बुद्ध कितना रह गया होगा, सागर का एक बुद्ध एक सागर वैकुंठ में रह गया, उस सागर का एक बुद्ध स्वर्ग में आया और उस सागर का एक बुद्ध इस मृत्यु लोक में आया, और उस बुद्ध को हम पी रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ ये इश्क है। तो वो कैसा इश्क है आप जाने कि हम कितना इश्क कर रहे हैं। एक घटना जैसा ही है, हो सकता है कहानी हो पता नहीं, एक प्रियतम पूर्णतया से रात में आते हैं, दूर से जंगल से होते हुए अपने काम से वापस लौटते हैं। सिर्फ लड़की घर में होती है, लड़की जो अकेली है, दरवाज़ा बंद है। अब वो लड़का क्या करता है तो उसी का ही पति, लेकिन फिर भी खटखटाना तो पड़ता है। खटखटाता है जब, तब वो अंदर की पत्नी कहती है कौन है, तो पति कहता है कि मैं हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। तो लड़की नहीं खोलती, वो पत्नी नहीं खोलती, और फिर से वो दरवाज़ा फिर से ज़ोर से मारता, मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरा दरवाज़ा खोलो, मुझे थकान महसूस हो रहा है, मुझे सोना है। लेकिन फिर भी वो पत्नी वो दरवाज़ा को नहीं खोलती। लेकिन थोड़ा सा जब थोड़ी देर के बाद भाव आता है, उसको समझ में आता है कि पत्नी क्या करना चाहती है, तो वो फिर से एक बार दरवाज़ा खटखटाता है और पत्नी कहती है कि कौन है, तो वो कहता है तुम ही हूँ, मैं तू ही हूँ। तब जाकर वो दरवाज़ा खुलता है। उसी प्रकार से आज आप हो, यदि आप उस प्रियतम के दरवाज़ा खटखटाते हो, वो कहता है कि कौन हो, तो आप यदि कहते हो कि मैं हूँ, लेकिन मैं कौन, ब्रह्म सृष्टि का भी अहम होता है, अहम तो लेना ही चाहिए, मैं बिन में मरे नहीं, मैं को मारना में, हाँ मैं तो लेना ही चाहिए, लेकिन वो मैं ज्ञान के आधार पे भी हो सकता है, वो मैं वैराग्य के आधार पे भी हो सकता है, वो मैं ध्यान की स्थिति थोड़ा बहुत जो ध्यान कर लिया, मैं तो ध्यान ही हो गया, मैं तो राज्य को पूछता हूँ, मैं तो बहुत प्रवचन अच्छा करता हूँ, मैं तो एक बड़ा महात्मा हो गया, हो सकता है मैं ब्रह्म सृष्टि महात्मा हूँ। तो इस प्रकार का जो मैं उत्पन्न होता है, अब वो दरवाज़ा नहीं खुलता। लेकिन जब आप उस स्थिति में पहुँचेंगे जहाँ पे वो मैं मिट जाएगा, लेकिन वो मैं कब मिटेगा,
क्या मैं अभी मिट सकता है, इसी स्थिति में अभी मिट सकता है या नहीं? प्रश्न है अभी मैं मरता है या नहीं, आपको प्रश्न कर रहा हूं सुंदर शाह जी, मर सकता है? लेकिन अभी मैं कहता हूं कि नहीं मर सकता। वो स्थिति हमने प्राप्त नहीं किया, आज हमने उस खान पान को पूर्णतया से बंदेश नहीं किया। स्वामी जी कहते रहते हैं एक चाय के लिए, एक चाय के लिए हम वहां पे इस ज्ञानपीठ में पूर्णतया से हो हल्ला मचा सकते हैं, एक कमरे के स्थान के लिए हम हो हल्ला मचा सकते हैं। सुंदर सात का खटपट होता है और हर चीज यहाँ पे होती है। क्या सुंदर सात हम है या नहीं? क्या यहाँ पे जितने भी लोग हैं क्या हम कह सकते हैं हम सुंदर सात हैं? हाथ खड़ा करके एक बार बताइएगा, क्या हम सुंदर सात हैं? दिखाई नहीं दे, मुझे 25% ही है। क्या हम सुंदर सात हैं? सुंदर सात का मतलब क्या होता है? सुंदर और सात, जो अच्छे तरीके से एक दूसरे को साथ दे वो सुंदर साथ है। लेकिन एक दूसरे का टांग खींचने वाला कभी सुंदर साथ नहीं हो सकता, एक दूसरे के विषय में बातें काटने वाले कभी सुंदर साथ नहीं हो सकता। हाँ, एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाले सुंदर साथ हो सकते हैं, अपने बिस्तर को दूसरे को देने वाले सुंदर साथ हो सकते हैं, अपने खाने को पेट काट के दूसरे को खाना देना वो सुंदर साथ हो सकते हैं। हमें तो धाम में क्या सिखाया गया, इस क्या करना सिखाता है? देना सिखाता है, लेना कभी नहीं सिखाता। क्या आज की स्थिति में हम दे रहे हैं या ले रहे हैं ये जान लीजिए। यदि दे रहे हैं तो हाँ, प्रथम सीढ़ी में है, सीढ़ी चढ़ना बाकी है वो मानता हूं, लेकिन सीढ़ी तो चढ़ रहे हैं। लेकिन यदि जो सीढ़ी ही नहीं चढ़े और नीचे बैठकर हम कहते हैं हम ब्रह्म सृष्टि हैं और उस परमात्मा को हमें पाना है, सपना है, ख्वाब है, और वो टूट जाएगा। तो इस प्रकार से यदि इश्क करना है तो परमधाम की स्थिति में कीजिए। वहां पे क्या होता है? सखी तीजी भूम की जो पड़साल, तीजी भूम की पड़साल में क्या होती है? वहां पे जब राजी खाना खाने के लिए बैठते हैं तो वहां सुंदर साथ पूर्णतया से कटोरी लेकर खाना लेकर दौड़ते हैं, और जब सीढ़ियां के ऊपर चढ़ते हैं तो वो छीनते हैं और छीन के उनको देने के लिए दौड़ते हैं, भागते हैं। लेकिन वहां पे जो सुंदर साथ हैं, ना उनको क्रोध आता है, ना ईर्ष्या होती है, ना द्वेष होता है किसी से, ना राग होता है, ना कुछ भी नहीं होता। बस होता है तो प्रेम होता है। आज यदि यहाँ पे कुछ भी हो, अब उदाहरण ऊपर का यहाँ पे लाना जरूरी है। सद्गुरु हैं हमारे, उदाहरण के रूप में सद्गुरु हैं, सद्गुरु के साथ कोई बैठा हुआ है, सद्गुरु के साथ कोई बोल रहा है, सद्गुरु कोई किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, उस समय में हम क्या सोचते हैं कि वो ब्रह्म सृष्टि जो सुंदर साथ हैं उसको बहुत आनंद मिल रहा होगा और उस आनंद का जो भाग है वो मुझे भी मिल रहा होगा। क्या वो हम ये सोचते हैं, या हम ये सोचते हैं कि मुझे भी उनसे ज़्यादा प्रेम मिले, हम चाहते हैं कि उनके साथ बैठकर हम भी ज़्यादा बातें करें? तो इस प्रकार का जो प्रेम है वो परमधाम में नहीं होता है सुंदर साथी। वो प्रेम आज हमने यहाँ किससे सीखा हमें पता नहीं। वो प्रेम ना परमधाम सिखाती है, ना राज्य सिखाते हैं, ना ही श्यामा जी सिखाते हैं। वहाँ होता है सिर्फ तीन चीजें, सत, चिद और आनंद। इसीलिए कहा जाता है कि सच्चिदानंद है। तो सच्चिदानंद को जानने के लिए हमारे अंदर चेतना तो पहले से ही है, सत्य होना जरूरी है, और आनंद की वर्षा तभी हो सकती है जब इस तार से उस तार को जोड़ दिया जाए। और कब जुड़ेगा, कब जुड़ेगा? जुड़ेगा तभी जब आप जुड़ना चाहो। फोन का नंबर डायल तो नहीं किया, और हेलो करने से क्या नेटवर्क लग जाता है? अभी सिग्नल बहुत कमज़ोर है और हम लोग डायल कर भी नहीं रहे। जब डायल करेंगे तब नेटवर्क भी जब अच्छा आएगा तब हम कॉल भी कर सकते हैं और उनसे जुड़ भी सकते हैं।
लेकिन ना आपके पास अभी जुड़ाने के लिए फोन है, ना आपने डायल करने के लिए कोशिश किया, ना आपने एयरटेल और जियो से सिम लिया, 4G पैक भी नहीं लिया होगा, तो हम किस प्रकार से उस इश्क से जुड़ सकते हैं? तो हे सुंदर साथ जी, अंतिम की स्थिति यही है, ज़्यादा समय बैठने से भी, ज़्यादा मीठा खाने से भी क्या हो जाता है, कड़वा सा लगता है। तो नहीं, जिस जिसको तकलीफ हो रहे, हो सकता है हम कल चर्चा करें, परसों करें, स्वामी जी हैं, मेरे से सुनना है, ऐसा कुछ है नहीं, वाणी है, हर किसी से सुन सकते हैं और वाणी के माध्यम से हर कोई जाग सकता है। हम चाहें खुद हम वाणी को पढ़ें, खुद आप स्वयं भी यहाँ पे आने की ज़रूरत है। हमारे जो बहनें हैं वो तो आएंगे, ज़रूर आएंगे और उनको आना ही है, परंतु तो आप किस लिए बैठे हो? जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हो, आप यहाँ पे किस लिए बैठे हो? एक दावा लेकर बैठे हो कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ और मुझे, आपका वादा क्या था? वादा क्या है कि ब्रह्म सृष्टियों को मैं जगाओगे कैसे? यदि आप यहाँ पे नहीं आओगे, यदि आप कहीं पे जाओगे नहीं, तो जगाओगे कैसे? सिर्फ सोच लेने से कि मैं जगाऊंगी और जगाऊंगा कहने से क्या कोई जाग जाता है? तो नहीं जागता। तो जगाने के लिए स्वयं प्रयास कीजिए, जो सद्गुरु कह रहे हैं उसके मार्गदर्शन पर चलिए। तो इस प्रकार से हो सके, राज्य की इच्छा हो और धनी की कृपा हो, तो हाँ, हो सकता है किसी दिन आपके अंदर से वो लीला करे, हो सकता है आपको नया सद्गुरु के रूप में माना जाए, हो सकता है इस दुनिया में पूर्णतया से आपकी भी जय जयकार उस धाम धनी के साथ हो। यदि आप स्वयं ये चाहते हैं तो प्रयास और पूर्ण पुरुषार्थ करना ही होगा, और पुरुषार्थ का मार्गदर्शन वाणी और वितक दे रही है, और जो जीवित सद्गुरु है वो भी दे रहे हैं, तो उसको मान्य करते हुए अपने दिल में उस धनी को बैठाते हुए एक पातशाही अर्श की और दूजी बाहदत के इसके विषय में जानते हुए अब पुनः उस धाम में लौटना है, धाम धनी से बातें करना है और फिर से इच्छा को उत्पन्न करके इस दुखमय संसार में आना नहीं है। तो यही कहते हुए आज जितने भी धनी ने और सद्गुरु ने मुझे कृपा किया उतना बताया, धन्यवाद। अब चौपाई दोहराते हैं। एक पातशाही अर्श की और वाहिदत का इसका सो दिखलाओ ने रूह को पहले दिल में लिया का पहले दिल में लिया का बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की।